हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गैस। आज गैस जो है मैं जाने वाला हूँ बारबेक्यू नेशन। जी हाँ गैस, मैं कई दिन से प्लानिंग कर रहा था कि डिनर पे चला जाए, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज जो है हम लोग जाएंगे डिनर के लिए द बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट। सो अगर आप जो है बारबेक्यू नेशन का फुल और कंप्लीट व्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप सभी को इस वीडियो में सारी डिटेल्स जो है मिल सके कि बारबेक्यू नेशन में कौन कौन से फूड सर्व किए जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में किए जाते हैं, क्या क्या आइटम्स होते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं हूँ बारबेक्यू नेशन में, एंड यहाँ पे हमको सर्व किया जा रहा है फूड। एंड ये पर्सन हमको सर्व कर रहे हैं, ये हमारा चिकन टिक्का आ गया प्लेट में। एंड गाइस ये आप देख सकते हैं पानी पूरी भी है, स्टार्टर हमारा बन गया है यहाँ पे। सो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं कि बारबेक्यू नेशन में हमारा ग्रिल दोस्तों लगने जा रहा है। एंड दोस्तों हम आ गए हैं टेबल पे, एंड यहाँ पे जल्दी से हमारा ये लोग ग्रिल लगाने जा रहे हैं, एंड यहीं पे हमको स्टार्टर सर्व किए जाएंगे। एंड ये आप देख सकते हैं स्टाफ काफ़ी यहाँ पे फास्ट काम करता है। सो लेट्स आपको दिखाते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि गाइस ये हमारा ग्रिल लग गया है, एंड यहाँ पे टेबल पे ही इन्होंने जो है ग्रिल लगा दिया है। एंड इसके अंदर दोस्तों इन्होंने कोयला डाला है, एंड कोयले को दोस्तों जला दिया है, एंड इसी के ऊपर दोस्तों स्टार्टर्स ये हमें सर्व करेंगे। ये काफ़ी दोस्तों ग्रिल बेस्ड रेस्टोरेंट है बारबेक्यू नेशन, एंड यहाँ पर मोस्टली जो स्टार्टर्स होते हैं ऑन ग्रिल ही सर्व किए जाते हैं फॉर फ्रेशनेस एंड तंदूरीनेस ऑफ द फूड। सो गाइस ये आप देख सकते हैं प्लेट्स ये हमारी लगा रहे हैं, एंड इन्होंने हमको पानी भी सर्व कर दिया है। सो आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट कुछ इस टाइप का है। बाय द वे मैं इन्जॉय करता हूँ अपने इस ड्रिंकिंग वाटर को। सो गाइस जब तक मेरा स्टार्टर्स आ रहा है तब तक कि मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए पिक्स ले लेता हूँ। बाकी चीज़ें ये क्या आपने किया? लाइव कॉलेज में से। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं हूँ बारबेक्यू नेशन में, एंड यहाँ पे हमको सर्व किया जा रहा है फूड। और ये गैस मेरी लिटिल सिस्टर है, आप लोग इससे मिल चुके हैं, माफ कटाइए अपना। हाँ मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ये गैस बारबेक्यू नेशन का ओवरऑल व्यू है। तो गैस चलिए टेस्ट करते हैं इस चिकन से, एंड ये आप लोग देख सकते हैं स्टार्टर्स में कुछ इस टाइप की इतनी वैरायटीज़ है हमारे पास गैस। एंड गैस ये फूड हमारा ग्रिल हो रहा है, यहाँ पे कोल अंदर है और गर्मा गर्म फूड यहाँ पे ग्रिल हो रहा है। सो लेट्स ट्राई द फर्स्ट एंड आई शेयर द टेस्ट ऑफ फूड टू यू। सो गैस मैं स्टार्ट करता हूँ इस चिकन विंग से, एंड दोस्तों ये काफ़ी मुझे कड़ा लग रहा है, बहुत ही दोस्तों हार्ड है। मुझे इसको हाथ से ही खाना पड़ेगा बिकॉज़ ये स्कूप से दोस्तों कट नहीं रहा है। एंड टेस्ट वाइज दोस्तों ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चिकन जो है चिकन विंग ये मुझे थोड़ा सा दोस्तों ये कड़ा भी है।
कबाब तो बता दीजिएगा, हम आपसे सर्व करवा देंगे। तो गाइस यहाँ पे कुछ हमारा वेज स्टार्टर्स भी आ गया है, जैसे कि ये हमारा पाइनएप्पल हुआ, ये पनीर टिक्का हुआ, एंड इसको भी मैं टेस्ट करके अभी आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल में टेस्ट कैसा है। तब तक ये हमारा ग्रिल हो रहा है गाइस। ये कौन सा ड्रिंक? ये लीची मॉकटेल पैसिफिक ब्लू। अच्छा, और ये स्ट्रॉबेरी मॉकटेल है जी, स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी है हमारा लेडी। अच्छा, और ये वर्जिन विद मिल्क फ्लेवर। जी जी, सारे हमारे ड्रिंक्स गाइस जो है डिफरेंट है। अब हम वन बाय वन आपको टेस्ट करके बताएंगे कौन सा ड्रिंक बेटर टेस्ट का है। आप टेस्ट करके बताइएगा कि कैसा आपको टेस्ट करना है, चेंजेस करना है जी, अगर सॉल्ट स्वीट ऐड करना है। ओके ओके, टेस्ट कर लीजिए। अपनी फेवरेट मोजिटो ड्रिंक जो है टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट गैस जो है बहुत ही मिंटी जैसा है, मिंट का जो है ज़्यादा आ रहा है और खट्टापन इसमें गैस कम है, मीठा मीठा सा लग रहा है। ये गाइस हमारी वर्जिन ब्लू, ये ड्रिंक गाइस मुझे बिल्कुल बेकार लगा, क्योंकि गाइस इसमें सिर्फ शुगर ही शुगर है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। ये स्ट्रॉबेरी ड्रिंक भी मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये बिल्कुल ही शुगर है, जैसा कि आप लोग घर पे शरबत या फिर जूस पीते हैं वैसा लग रहा है। बस यहाँ अगर आप आते हैं बारबेक्यू नेशन तो आप जो है मोजिटो ड्रिंक ही जो है पीजिएगा। इसका टेस्ट मुझे सही लगा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कार्बोनेटेड रहती है, इसलिए पीने में जो है ठीक है। एंड ये दोनों गैस मुझे नहीं समझ में आई, सिर्फ शुगर ही है, मीठा मीठा था, मुझे इनका टेस्ट भी नहीं अच्छा लगा। तो गैस अब मेरा जो है वेज खाने का मन हो रहा है, तो मैं जो है थोड़ा सा आपको वेज स्टार्टर टेस्ट करके बताता हूँ। ये वैज आप देख सकते हैं पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल दोस्तों बहुत ही जूसी है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप जब भी बारबेक्यू नेशन आए पाइनएप्पल ज़रूर ट्राई करें। चिकन सीख कबाब क्या है? चिकन सीख कबाब चिकन सीख कबाब, इसको मैं खा के आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। अब गैस ये हमारा आ गया है क्रिस्पी कॉर्न, ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। जो चिकन सीख कबाब है हमारा, ये बोनलेस है एंड खाने में काफी सर पास्ता होती है, बस थोड़ा सा ये स्पाइसी और होता तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। स्पाइसी
मैंने भी खाया। ये गैस हमारी तंगड़ी है, लेग पीस, इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, सो जूसी एंड सो सॉफ्ट। बहुत ही गर्म है, आप देख सकते हैं स्टीम निकल रहा है इसमें से। सो गैस, अब हमारा यहाँ पे वेज स्टार्टर्स में ये आ गया है कटलेट, एंड पोटैटो कटलेट है ये। सो मैं इसको टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। सो गैस, जब आप बारबेक्यू नेशन में डिनर या लंच के लिए आते हैं एंड यहाँ पे आपको स्टार्टर सर्व करता जा रहा होता है स्टाफ, तो आपसे वो बीच बीच में ये भी पूछता है कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लग रहा है सर। सीख कबाब, इसको जो है टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। वेरी गुड बात, सो क्रिस्पी एंड टेस्टी। ये रैप कुछ इन्होंने किया वेज में, इसको भी टेस्ट करके आपको दिखा दे। पोटैटो का है थोड़ा गोल्डन, ये आलू वाला गैस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इससे पहले जो दिया था क्रिस्पी वाला वो ज़्यादा बेटर था टेस्ट में। जैसा कि बारबेक्यू नेशन का कॉर्न बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, तो अब मैं टेस्ट करके बता रहा हूँ आप सभी को आखिर ये अलीगंज में जो बारबेक्यू नेशन है यहाँ के कॉर्न का टेस्ट कैसा है। ओवरऑल टेस्ट इसका ठीक है। कुल्फी टाइप से ऑमलेट, जस्ट लाइक लुक ऑफ कुल्फी एंड दिस इज एन ऑमलेट। सो आई विल टेस्ट इट एंड आई रिप्लाइड दिस हाउ इट लाइक कैन टेस्ट। यहाँ का ऑमलेट जो है लुक वाइज तो अच्छा है, लेकिन गैस यहाँ के ऑमलेट में थोड़ा सा स्पाइसीनेस होनी चाहिए थी, थोड़ा सा ये चटपटा टाइप से होता तो और अच्छा लगता, बस सादा सादा लग रहा है गैस। एंड इन्होंने इसमें अनियन डाला है और कुछ नहीं गैस डाला है, सिर्फ साल्ट एंड अनियन से ये हमारा बना है। ये इन्होंने सॉस एंड मेयोनीज डाल दिया है। मैं गैस आपको पास्ता टेस्ट करके बताता हूँ कि वाइट पास्ता यहाँ का कैसा है। ये गैस हमारा वाइट सॉस पास्ता, इन्होंने इस पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डाला है। पास्ता में गैस ना सॉल्ट है ना स्पाइसीनेस है, बिल्कुल लिटिल लाइक अ सॉल्ट, बस हल्का सा आपको साल्ट का फ्लेवर आ रहा है एंड वाइट सॉस पास्ता एज इट बॉइल लग रहा है मुझे, ये मुझे पसंद नहीं आएगा। अब मैं आपको चिकन टिक्का दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का। ये गया था हमारा चिकन का स्टार्टर, काफ़ी हॉट है गया, ये हमारा ग्रिल हो रहा था। ये गैस बोनलेस चिकन है, सर स्पाइसी रहेगा ठीक है। स्पाइसी
सो गैस यहाँ पे हमारा चिकन तंदूरी दोबारा से आ गया है। पहले इसका मुझे टेस्ट अच्छा लगा लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम था, इसलिए मैंने इनसे दोबारा बोला, इन्होंने दोबारा मुझे सर्व किया है। तब गैस जो है मैं फिश टेस्ट करके बताता हूँ कि फिश का फ्लेवर कैसा है। भाई ये फिश तो दिखने में बिल्कुल जला हुआ लग रहा है। सो गैस मेरे अकॉर्डिंग इस फिश में कोई भी टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि गैस जो फिश जल जाता है आप लोग आइडिया लगा सकते हैं उसका टेस्ट बेकार ही होता है। ये गैस हमारा फिश है, इसको मैं टेस्ट करता हूँ थोड़ा सा। बहुत ही लाइट सा लग रहा है, थोड़ा फ्लेवर होना चाहिए था इसमें स्पाइसी का और थोड़ा सा चिली का, तब जाके कि ये फिश का टेस्ट बेटर हो जाता। अब मैं प्रॉन्स टेस्ट करता हूँ, ये प्रॉन्स है हमारे गैस। ये गैस बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इससे पहले मैं थोड़ा सा टंगड़ी अपनी खाता हूँ। गैस प्रॉन टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। ये गैस प्रॉन है, प्रॉन टेस्ट वाइज अच्छा है गैस। बस ये गैस मैं फिश जो है टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा है इसका टेस्ट। ये गैस जो फिश है काफ़ी फ्रेश लग रहा है। फिश भी है जो मुझे बहुत ही लाइट सा फ्लेवर लग रहा है, थोड़ा सा स्पाइसी करा दे तो मैटर हो जाएगा। ओवरऑल मुझे यहाँ का चिकन ज़्यादा अच्छा लगा प्रॉन्स के कंपैरिजन में एंड फिश के कंपैरिजन में। ये हमारा पालक का स्टार्टर है, ये गैस क्रिस्पी पालक है, इन्होंने चाट टाइप से इसमें जो है मीठी चटनी वगैरह डाल के दिया है, इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ। ये गैस आलू टिक्की का गैस एक अल्टरनेटिव है एंड काफ़ी क्रिस्पी है, काफ़ी टेस्टी है। जब भी आप बारबेक्यू नेशन आए इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है गैस ये। ग्रिल के लिए बस चिकन टिक्का दे दीजिएगा और पनीर टिक्का दे दीजिएगा। सो गाइस काफ़ी देर वेट करने के बावजूद भी वो हमको कोई नई डिश नहीं सर्व कर रहे हैं, तब तक जो हमारी टेबल पे है मैं उसका ही कुछ रिपीट ट्राई करता हूँ। ये गैस जो पास्ता मेरे पास दोबारा बन के आया है, ये पास्ता गैस डोमिनोज पास्ता से बेटर है। जब भी आप डोमिनोज में वाइट सॉस पास्ता खाते हैं उससे कई गुना मुझे अच्छा लगा एंड इन्होंने काफ़ी इसको इम्प्रूव करके दिया है। एंड ये इसमें स्वीट कॉर्न का जो फ्लेवर आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए गैस मैं अब जो है पानी पूरी को टेस्ट करके बताता हूँ कि आखिर बारबेक्यू नेशन का पानी कैसा है, पानी पूरी कैसा है।
बहुत अच्छा डेट है गाइस इसका। काफी ज्यादा एक ग्रिल हो गया। हाँ उस पे रखे रखे सो गाइस कॉर्न ये हमको दोबारा सर्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉर्न हमको थोड़ा सा टेस्टी लगा तो हमने दोबारा डिमांड की, तो कॉर्न यहाँ पे दोबारा हमें सर्व किया जा रहा है। एंड दोस्तों मैंने इतनी देर में बारबेक्यू नेशन में ये बात नोटिस किया कि जब आप एंटर होते हैं यानी कि जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आपको फास्ट सर्विस प्रोवाइड करी जाती है एंड धीरे धीरे उन लोगों की सर्विस काफ़ी स्लो हो जाती है दोस्तों। एंड ये आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट ग्रिल हमारा दोस्तों खाली हो चुका है एंड दोस्तों थोड़ी देर वेट करने के बाद में अब ये स्टार्टर दोस्तों हमारा जो नॉनवेज स्टार्टर था वो फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि गाइस हमको चिकन यहाँ का थोड़ा सा अच्छा लगा। सो गाइस स्टार्टर्स फिनिश करने के बाद में हम थोड़ा सा टहलने के लिए रेस्टोरेंट पे आ गए हैं एंड यहाँ पे ये आप लोग व्यू देख सकते हैं कि किचन में दोस्तों कैसे फूड प्रिपेयर कर रहे हैं शेफ़ लोग। एंड ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मेन कोर्स में दोस्तों आइटम्स वगैरह बाउल में रखे हुए हैं एंड यहाँ का कुछ इस टाइप से ओवरऑल व्यू है एंड आपको जो भी पसंद है वो आप निकाल के खा सकते हैं। एंड डेजर्ट्स में गाइस ये सारे ऑप्शंस हैं, पेस्ट्री वगैरह तो जो भी आपका फेवरेट हो वो आप यहां से ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहां पे। ब्राउनी भी है गाइस यहां पे एंड यहां पे केसरिया फिरनी वगैरह सब है दोस्तों, रसगुल्ला है। एंड गाइस डेजर्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम आ जाते हैं आइसक्रीम काउंटर पे एंड यहां पे आपको 2 फ्लेवर्स की आइसक्रीम देखने को मिलती हैं, वैनिला एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। एंड दोस्तों उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पे थोड़ा सा हॉट डेजर्ट मिल जाएगा जैसे कि सूप वगैरह हुआ, रसगुल्ला हुआ एंड मूंग दाल हलवा, ये सब दोस्तों मिलता है। एंड ये सारा जो वैरायटी है ये सैलड्स का है, जो भी सैलड के शौकीन लोग हैं वो यहाँ से सैलड ले सकता है। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं डिनर कर रहा हूँ एंड शाम हमारी कुछ इस टाइप से बाहर की नज़र आ रही है। एंड दोस्तों इंस्टाग्राम पे दोस्तों हम लोग लाइव एक्टिव रहते हैं तो गाइस इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड मैंने सोचा कुछ पिक्स ले लेते हैं तब तक के लिए, थोड़ा सा हमने स्टार्टर सभी फिनिश कर लिया है एंड रेस्ट भी ज़रूरी है क्योंकि गाइस डायरेक्ट स्टार्टर फिनिश करने के बाद में हमको मेन कोर्स नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा गाइस आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए, आप लोग आइसक्रीम खा लीजिए जो भी आपका फेवरेट हो। एंड गाइस ये आप लोग देख सकते हैं कि टेबल पे हमारी आ गया है हनी चिली पोटैटो एंड ये हमको सर्व कर रहे हैं। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ, वैसे दिखने में काफ़ी दोस्तों टेस्टी लग रहा है, अब मैं टेस्ट करूँगा फिर आपको बताऊँगा कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। सो फ्रेंड्स अब फाइनली हमारा आ गया है हनी चिली पोटैटो, इसको मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। पहले बहुत हॉट है अभी, काफ़ी अच्छा टेस्ट है दोस्तों, ये गर्मा गर्म खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी भी है। सो गाइस जब भी आप बारबेक्यू नेशन आइए कोशिश करिए कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डिशेस को खाइए एंड यहाँ पे जो डेजर्ट्स होते हैं उनको ट्राई करिए एंड फोकस करिए आप कॉस्टली आइटम्स को, जिससे गाइस आपने जो पे किया है वो गाइस अमाउंट जो है आप कंज्यूम कर सकें। सो आपको जितना इच्छा है जो अच्छा लगे वही खाइए गाइस। सो मुझे यहाँ पर चिकन अच्छा लगा एंड चिकन में लेग पीस अच्छा लगा सो मैंने दोबारा से लिया है। एंड ओवरऑल ये व्यू आप लोग देख सकते हैं बारबेक्यू नेशन का एंड यहाँ पे ये हमारा है लाइव काउंटर एंड लाइव काउंटर पे आप खाना बनता हुआ देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों पास्ता हमारा आया था बन करके एंड ये गाइस है चाट काउंटर, यहाँ पे गाइस आपको बताशे वगैरह मिल जाएंगे, आइसक्रीम दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है एंड दोस्तों काउंटर बहुत ही क्लीन है।
एंड सब ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे मेंटेन रखा जाता है। किचन से लेकर फूड तक दोस्तों सब ट्रांसपेरेंट है, आप खुद देख सकते हैं कैसे क्या बन रहा है, कैसे सर्व किया जा रहा है। ओवरऑल दोस्तों ये व्यू है। वैसे गैस मेरे अकॉर्डिंग नाइट में दोस्तों लोग कम आते हैं, बिकॉज़ यहाँ का प्राइस जो है डिनर में थोड़ा सा महंगा रहता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे ड्रिंक भी नाइट में नहीं दिया जाता है। इसी वजह से आप लोग देख सकते हैं टेबल्स वगैरह काफ़ी खाली से पड़े हुए हैं। खैर दोस्तों मैं भी सोचता था बारबेक्यू नेशन आने से पहले कि क्या मैं यहाँ पर दोस्तों 1000 रुपीज़ जैसे कि इन्वेस्ट होता है यहाँ पर आने का एंड पर पर्सन, तो क्या हम लोगों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप सभी को, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड यू लव द फूड और नॉट। सो इफ़ यू लव द फूड एंड यू आर अ फूडी, सो यू कैन विजिट दिस प्लेस एब्सोल्युटली, बिकॉज इन दिस रेस्टोरेंट द बूफे मेनू इज़ अनलिमिटेड एंड इन दिस रेस्टोरेंट यू गेट वेराइटी ऑफ फूड्स। तो गैस ये आप लोग ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। ये गैस है हमारा बार काउंटर, यहाँ पे गैस ड्रिंक्स वगैरह जो लोगों को पसंद है वो यहाँ पे बैठ के पी सकते हैं। ये गैस लाइव दोस्तों काउंटर है, यहाँ पे आपको जो भी ड्रिंक पीना है वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चार्जेस इसके लिए पे करना होगा। सो गैस चलिए चलते हैं अपनी टेबल पर एंड दिखाते हैं कि क्या हाल है हमारी टेबल का। एंड नाइट में दोस्तों काफ़ी खाली खाली सा लगता है बारबेक्यू नेशन, बिकॉज द प्राइस इज वेरी हाई फॉर डिनर। ये गैस आप लोग कुछ सैंपल शॉट्स देख सकते हैं रेस्टोरेंट के। एंड बाय द वे मैंने विजिट किया था लखनऊ के अलीगंज बारबेक्यू नेशन में एंड मुझे यहाँ का जो एम्बियंस है काफ़ी सही लगा। एंड दोस्तों मैं वैसे बारबेक्यू नेशन में दोस्तों फर्स्ट टाइम ही दोस्तों आया हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी दोस्तों बेहतरीन रहा इस बारबेक्यू नेशन के साथ में इस आउटलेट पे। सो गैस चलिए हम कुछ डेजर्ट ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि गैस अब हमने फिनिश कर लिया है स्टार्टर्स कम्प्लीटली। एंड मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी को कि आप दोस्तों बूफे को दोस्तों बेहतरीन तरीके से इंजॉय करने के लिए जो है आप लोग डायरेक्ट दोस्तों स्टार्टर्स के बाद मेन कोर्स पे ना जाइए। आप दोस्तों कुछ टाइम दोस्तों डेजर्ट को दीजिए, जिससे आपका दोस्तों थोड़ा सा मूड जो है वो फ्रेश हो जाए, क्योंकि गैस खाते खाते दोस्तों थकान ऐसी आ जाती है। इसलिए गैस थोड़ा सा आप जो है रेस्ट कर लीजिए, जो आपको डेजर्ट अच्छा लगे वो डेजर्ट ले लीजिए। एंड मेन कोर्स के बाद में भी आप दोस्तों डेजर्ट ले सकते हैं, थोड़ा बहुत डेजर्ट जो है आप स्टार्टर्स के बाद में भी खा लीजिए। ये गैस मेरा ओपिनियन है। एंड ये गैस यहाँ पे अंगूरी गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी लगता है ये, क्योंकि गर्मा गर्म होते हैं और दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसको खाने में दोस्तों बहुत मज़ा आती है। मैं तो भाई और ज़्यादा लेने वाला हूँ। और गैस मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये भी है कि जब भी आप डिनर या लंच के लिए जाइए बारबेक्यू नेशन में एंड जितना दोस्तों अमाउंट आपने पे किया है, कोशिश करिए कि आप दोस्तों उतने अमाउंट का दोस्तों वहाँ पे जो वैरायटी ऑफ फूड होता है वो आप दोस्तों कंज्यूम कर लीजिए, जिससे आपका लॉस ना हो। अगर आपको गैस कोई ठंडा डिज़र्ट पसंद है तो आप जो है छेना वाला रसगुल्ला ट्राई करिए, अगर आपको हॉट डिज़र्ट पसंद है तो आप जो है गुलाब जामुन ट्राई कीजिए। ये गैस मुझे फिरनी कुछ खास नहीं लगा। मैंगो पेस्ट्री ट्राई करता हूँ। मुझे गया उन सबसे ये जो बेबी रसगुल्ला है ये ज्यादा टेस्टी लगे। सो गैस डेजर्ट फिनिश करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं मेन कोर्स के लिए एंड मेन कोर्स डिनर में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं।
सो ओपन द कंटेनर फर्स्ट। ये केरला फिश फाइल करी, चलिए टिकट करेंगे उससे भी। ये गैस है हमारा एक करी एंड राजस्थानी लाल मांस। ये गैस राजस्थानी लाल मांस है, इसमें गैस मटन जो है बहुत ही कम लगा हुआ है इस समय। ये मैं राजस्थान लाल मांस ट्राई करूंगा। ये एक करी है, थोड़ा सा एक करी भी टेस्ट कर लेते हैं। ये गैस मैं अभी नॉन वेज स्टार्टर जो है ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं इसके बाद वेज में भी दिखा दूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। ये हमारा दम का मुर्ग, सैलेड नहीं लिया, सैलेड आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये क्या दही है, ये ले लो। टोमेटो आपको काबुली चना की सैलड है, ये वो है एंड लेमन मुझे ना नहीं पानी। तो गैस मेन कोर्स में मैंने दोस्तों ले लिया है। शेफी तुम्हें बस आइसक्रीम ही खानी है। चिकन बिरयानी मेरा देख के मन यार। अभी चिकन तो दिख नहीं रहा है, राइस ही राइस है। थोड़ी देर बाद इसको जो है ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपको चलो वेज वाले रखने हैं, वेज में इधर वेज है तो मंचूरियन है। एक एक सब दे दीजिए। सो गैस मेन कोर्स के बाद में मेरा कुल्फ़ी खाने का मन कर रहा था डेजर्ट में। सो मैंने दोस्तों मेन कोर्स ले लिया है साथ में एंड दोस्तों मैं कुल्फ़ी को भी ले लेता हूँ, क्योंकि गैस बार बार टेबल से उठ के जाना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ स्टार्टर्स ही दोस्तों बारबेक्यू नेशन ऑन टेबल सर्व करते हैं एंड बाकी जो डेजर्ट एंड मेन कोर्स है वो आपको सेल्फी लाना होता है। सो मैंने सोचा कि गैस चलिए ले लेते हैं कुल्फ़ी भी। तो मैंने यहाँ पे हर फ्लेवर को दोस्तों लिया है। ये गैस फाइव ऑप्शंस मिलते हैं आपको कुल्फ़ी फ्लेवर के, जैसे कि चॉकलेट कुल्फ़ी, पान कुल्फ़ी, मैंगो कुल्फ़ी, इस टाइप के दोस्तों ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जो भी आपकी फेवरेट हो वो आप ले सकते हैं या दोस्तों कस्टमाइज भी करा सकते हैं। तो गैस मैं आ गया हूँ अब अपनी टेबल पे एंड दोस्तों मैं ट्राई करता हूँ इस चॉकलेट कुल्फ़ी को एंड इसका गैस जो टेस्ट है बहुत ही दोस्तों टेस्टी है। और इसके बाद मैं दूसरी कुल्फ़ी में टेस्ट करता हूँ। ये गैस है हमारी स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी, ये गैस मुझे उतना अच्छा नहीं फ्लेवर लगा।
ये कुल्फ़ी भी दोस्तों परफेक्ट है। ये दोस्तों मिल्क क्रीम टाइप से फ्लेवर आ रहा है इसमें। ओवरऑल दोस्तों मुझे स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी दोस्तों नहीं पसंद आई, एंड ये दोस्तों मेरी फेवरेट कुल्फ़ी है। ये है पान फ्लेवर की कुल्फ़ी, यानी कि अगर आप पान के शौकीन हैं तो आपको उसका फ्लेवर अब मिलेगा कुल्फ़ी में। तो बारबेक्यू नेशन में ये वैरायटी भी है एंड बहुत अच्छी लगती है ये कुल्फ़ी मुझे, पान फ्लेवर की है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मेन कोर्स में मैंने यहाँ पर सैलड लिया है, ये मेरा एग करी है, एंड ये फिश करी है, ये दम बिरयानी है, ये दम का मुर्ग है, और ये बीच में राजस्थानी लाल मांस है। ये गाइस मैंने मेन कोर्स में से लिया है, तो वन बाय वन मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। फर्स्ट मैं ट्राई करूँगा फेवरेट बिरयानी से, क्योंकि गाइस लखनऊ की बिरयानी फेमस है, आगे बारबेक्यू नेशन की कैसी है। बिरयानी का टेस्ट गाइस एवरेज है, ये गैस हमारा एक करी है, इसको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक इन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दिया है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं ब्रेड के साथ में दोस्तों राजस्थानी लाल मांस को ट्राई करूँगा। ब्रेड वैसे काफ़ी गर्म है, मटन वैसे है काफी टेंडर है, जूसी है। ये गैस में फिश भी आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। ये गैस फिश है, बोनलेस फिश है। फिश भी मुझे ठीक लगा इनका। अब गैस मैं जो है वेज मेन कोर्स में दोस्तों जो ऑप्शंस हैं वो टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि आखिर कितनी वैरायटी है यहाँ पे। ये गैस आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी वेज बिरयानी, एंड दिखने में ये काफ़ी दोस्तों हॉट एंड दोस्तों जो है अच्छी लग रही है। ये गैस हमारा है रायता, एंड दोस्तों है यहाँ पे मिक्स वेज। एंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट बाउल में क्या है। इसमें गैस है हमारा राइस, एंड दोस्तों ये कुछ राजमा जैसा लग रहा है दिखने में, तो इसको भी टेस्ट करेंगे, देखेंगे इसका फ्लेवर आखिर कैसा है वेज में। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा पनीर का वैरायटी, एंड दोस्तों इधर मिल जाएंगे आपको पंजाबी छोले। तो ये गैस मैंने ले लिया है पनीर, एंड इधर है हमारा पंजाबी छोले। सो मैंने दोस्तों ये ले लिया है, एंड लास्ट में जो कंटेनर है इसमें भी देख लेते हैं आखिर क्या है। जो ये कंटेनर है इसमें गैस आपको मिल जाते हैं नूडल्स, एंड अगर आप नूडल के शौकीन हैं तो दोस्तों आप खा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आप दोस्तों अनलिमिटेड रेस्टोरेंट में आए हैं तो नूडल्स ही खा के रह जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको वैरायटी तो बहुत सारी मिलती है लेकिन थोड़ा सा पोर्शन भी देखना पड़ता है, क्योंकि गैस यहाँ पर वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। एंड दोस्तों चलिए हम टेस्ट करते हैं अपने वेज दोस्तों मेन कोर्स को। ये आप लोग देख सकते हैं वेज में जो फ्लेवर है वो दोस्तों ठीक है, एंड मुझे ना नॉन वेज का मेन कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा वेज की कंपैरिजन में। एंड दोस्तों चलिए नूडल्स को टेस्ट करता हूँ। नूडल्स का जो टेस्ट है गैस ये अच्छा है, एंड दोस्तों स्पाइसी भी है नूडल का टेस्ट। चिली पनीर, चिली पनीर, ये रखो। सो गाइस मैं वेज एंड नॉन वेज मेन कोर्स फिनिश करने के बाद अब आ गया हूँ फिर से डेजर्ट खाने के लिए। एंड दोस्तों इस बार मैं आइसक्रीम को लूँगा, क्योंकि गाइस पिछली बार मैंने जो है
स्वीट डेजर्ट्स ही लिए थे। इस बार मैं आइसक्रीम भी दोस्तों टेस्ट करता हूँ। एंड दोस्तों स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मेरी फेवरेट है, तो मैं इसको दोस्तों 2 स्कूप्स लूँगा। एंड स्ट्रॉबेरी के आगे भी हमको एक फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम मिलती है, ये गया था हमारी वैनिला आइसक्रीम। चलिए इसको भी ले लेते हैं। एंड दोस्तों आइसक्रीम बहुत ही दोस्तों बढ़िया है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। इस सीज़न में अगर आप आइसक्रीम खाएंगे तो आपका माइंड एकदम कूल हो जाएगा। और गैस मैंने सूप भी यहाँ का ट्राई किया, एंड मुझे नॉनवेज सूप दोस्तों ज़्यादा बेटर लगा। एंड दोस्तों ये जो सेलिब्रेशन है, ये गाइस हम आप ही लोगों की सपोर्ट से दोस्तों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि गाइस यूट्यूब पे हमने क्रॉस कर लिए हैं 22,000 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच गाइस टू ऑल ऑफ यू, कीप सपोर्टिंग। आप लोग जो है ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दोस्तों बनाए रखिएगा। एंड हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी ग्रो करा दीजिए, क्योंकि गाइस इंस्टाग्राम पे दोस्तों हमको पॉपुलर होना बहुत ज़रूरी है। एंड चैनल को भी दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। एंड दोस्तों मैं अब अपनी सिस्टर को भी केक खिला देता हूँ। सो गाइस डिनर अब हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। एंड दोस्तों वेट कर रहे हैं बिल आने का। एंड दोस्तों बिल हमारा हुआ है अप्रॉक्स 2500 रुपीज़। एंड दोस्तों आज का दिन बहुत ही हमारा बेहतरीन रहा। एंड दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं बिल वगैरह कराने के बाद अपने घर वापस। एंड दोस्तों इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एंड दोस्तों बारबेक्यू नेशन का रेस्टोरेंट था बहुत ही ऊपर बिल्डिंग में, तो दोस्तों हम नीचे जा रहे हैं लिफ्ट से। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एंड हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग लखनऊ में रहते हैं तो दोस्तों अलीगंज में दोस्तों बारबेक्यू नेशन का आउटलेट है। एंड दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सर्विस इनका गज़ब का है, तो आप लोग दोस्तों अलीगंज वाले बारबेक्यू नेशन में एक बार ज़रूर विज़िट करें।